Very hard to be. The elephant of the deep blue sea. मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। एंड फिर हम बेन और टेडी को देखते हैं जो कि रेडियो पर पॉडकास्ट कर रहे थे। अब जिन्हें नहीं पता है कि पॉडकास्ट क्या होता है तो मैं बता दूं कि पॉडकास्ट यानी कि कहानियाँ जो आप रेडियो पर सुनते हैं। पॉडकास्ट में बेन अपने लिसनर से एक वीडियो चेकआउट करने को कहता है जो कि उसके मुताबिक बहुत ही फनी था। वीडियो में हम देखते हैं जिसमें एक टीनेजर बॉब एक कटाना यानी कि तलवार पकड़े स्टंट्स कर रहा था जिसमें वो गलती से ही खुद का एक पैर काट देता है। नाउ दिस इज वियर्ड क्योंकि बेचारे ने अपना पैर गवा दिया था एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट बेन और टेडी उस पर हंस रहे थे, वो भी लाखों लोगों के सामने। अब अपना पॉडकास्ट एंड करने से पहले टेडी अपनी ऑडियंस को अनाउंस करता है कि उसका दोस्त बेन नेक्स्ट वीक बॉब से मिलने जा रहा था उसका इंटरव्यू करने। अब सीन चेंज होती है कनाडा में जहाँ पर बेन बॉब का इंटरव्यू करने उसके घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने पर बेन देखता है कि वहाँ पर फ्यूनरल यानी कि मातम चल रहा था जो कि बॉब का था जिसने लोगों के ताने और साइबर बुलिंग के चलते सुसाइड कर लिया था। ये देखकर बेन को बहुत ही बुरा लगता है, ना कि इसलिए क्योंकि बॉब मर चुका था बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे उसकी स्टोरी नहीं मिलेगी। अब इससे हमें ये पता चलता है कि बेन कितना घटिया किस्म का इंसान था। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो टेडी को कॉल करता है और उससे ये सारी बातें कहता है। अभी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो कनाडा आकर खाली हाथ वापस नहीं जा सकता, उसे अपने शो के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए थी। नाउ बेन ये सब सोचते हुए बार में वॉशरूम यूज करने जाता है। उसी दौरान बेन को दीवार पर एक लेटर दिखती है जो कि दरअसल एक एडवर्टाइजमेंट था एक रूममेट के लिए जिसे मिस्टर हावर्ड नाम के एक बूढ़े आदमी ने लिखा था। लेटर पर लिखा था कि हाय आई एम मिस्टर हावर्ड एंड मैं एक रूममेट ढूंढ रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। घर में रहने के बदले उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे। अपने जवानी के दिनों में मिस्टर हावर्ड ने समंदर में बहुत सारे एडवेंचर्स जर्नी किए थे। वो बस किसी ऐसे रूममेट के तलाश में थे जिसके साथ वो रोमांचक जर्नी की कहानियों को शेयर कर पाए। परफेक्ट, बेन को उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल गई थी। बिना और किसी देरी के वो सीधे मिस्टर हावर्ड के घर पहुंच जाता है। उस बड़े से घर में मिस्टर हावर्ड अपने व्हीलचेयर पर बैठे हुए पहले से ही बेन का वेट कर रहे थे। बातों के दौरान हावर्ड बेन को चाय ऑफर करता है और कहानियां सुनाना शुरू करता है। चाय पीते हुए बेन हावर्ड की कहानियां सुनने लगता है जिसमें एक कहानी बेन का ध्यान उसकी ओर खींचती है। जब मिस्टर हावर्ड यंग थे उनके शिप का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सारे लोग मारे गए थे। हावर्ड की मौत भी पक्की थी लेकिन तभी समंदर के अंदर से एक वॉलरस ने उसे एक आइलैंड तक पहुंचा कर उसकी जान बचा दी थी। अब वहां पर ठंड इतनी थी कि हावर्ड को उसी वॉलरस को मारना पड़ा था ताकि उस ठंड में भी वो उसके बॉडी हीट से सरवाइव कर पाए। मिस्टर हावर्ड उस वॉलरस इंसिडेंट को लेकर काफी अपसेस था। उस वॉलरस को हावर्ड अपना सच्चा दोस्त मानता था जिसे उसने नाम दिया था मिस्टर टस्क। जैसे वो अपनी कहानी खत्म करता है बेन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि मिस्टर हावर्ड ने उसके चाय में कुछ तो मिलाया था। अब हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां पर बेन अपनी गर्लफ्रेंड लियोन के साथ था। ये पल उसके कनाडा आने से पहले का था जिसमें लियोन बेन को कनाडा जाने से मना कर रही थी क्योंकि उसके मुताबिक किसी और के दर्द और लाचारी पर हंसी उड़ाकर पैसे कमाना अच्छी बात नहीं थी। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां पर बेन को होश आ जाता है एंड वो खुद को व्हीलचेयर पर पाता है। शौक तो उसे अब लगने वाली थी क्योंकि नीचे देखने पर उसका एक पैर गायब था जिस पर हावर्ड बेन को ये कहकर कन्विंस करता है कि कल रात एक जहरीली स्पाइडर ने उसके पैर को काट लिया था और उसे बचाने के लिए उसे उसका पैर को काटना पड़ा था। अब ये तो क्लियर था कि मिस्टर हावर्ड झूठ बोल रहा है। इसके बाद हावर्ड बेन को लेकर डिनर टेबल पर चला जाता है एंड ये सीन बहुत ही इंटेंस होने वाला है। एंड मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको हॉरर एंड हाईली डिस्टर्बिंग मूवीज पसंद हैं तभी आप इस वीडियो को आगे देखें, वरना वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए क्योंकि खुद मुझे ये वीडियो देखने पर नॉजिया फीलिंग्स आ रही थी। आई रिपीट कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है एंड मैं नहीं चाहता कि फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी ट्रॉमा या शॉक हो। तो नाउ विद दैट्स इट लेट्स कंटिन्यू। डिनर करते वक्त बेन अपना खाना भी नहीं खा पा रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सुन पड़ चुकी थी, लाइक ही वॉज पैरालाइज्ड। वो हावर्ड से बार बार पूछ रहा था कि पिछली रात को क्या हुआ, जिस पर हावर्ड उसे फिर से एक बेतुकी सी कहानी बताता है। ये सुनने के बाद बेन समझ चुका था कि उसने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वो जोर जोर से चीख कर हेल्प मांगने लगता है जिस पर हावर्ड अपनी व्हीलचेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर हावर्ड को चलता देख बेन ये समझ चुका था कि उसकी ये हालत किसने की थी। हावर्ड उसकी ओर बढ़ता है एंड एक जोर के चाटे के साथ बेन पूरी तरह डर से शांत हो जाता है। हावर्ड बेन से यहाँ पर कहता है कि उसे सर्जिकली इंसान से एक वॉलरस में चेंज करने वाला है, वो उसे बेन से ही मिस्टर टस्क बनाएगा।
नाउ सीन चेंजेस टू लियोन जो बिस्तर पर बैठी हुई रो रही थी। वो यहाँ पर किसी से कह रही थी कि वो जानती है कि बेन उस पे चीट करता आ रहा है। एंड यहाँ पर हम रियलाइज करते हैं कि टेडी और लियोन का अफेयर चल रहा है। अब सीन वापस बेन की ओर आ जाती है जहाँ पर बेन किसी तरह मिस्टर हाउड से चिप कर अपनी गर्लफ्रेंड लियोन को कॉल करता है। लियोन कॉल नहीं उठाती, जिस पर वो उसे एक वॉइस मैसेज छोड़कर उससे हेल्प मांगता है कि वो उसे बचा ले। तभी पीछे से मिस्टर हाउड आकर वॉलेस को फिर से बेहोश कर देता है। नेक्स्ट डे लियोन को बेन की वॉइस मैसेज मिल जाती है जिस पर वो इमीडिएटली पुलिस से कांटेक्ट करती है। पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं करती, इसलिए वो टेडी को लेकर बेन की तलाश में लग जाती है। एंड इवेंचुअली उन्हें अली नाम का एक डिटेक्टिव मिलता है। एंड अगर आपने नोटिस नहीं किया तो ही इज जॉनी डेप। अली बहुत वक्त से ही ऐसे बहुत सारी सेम केस पर काम कर रहा था, लेकिन वो कभी भी हावर्ड को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। अब दूसरी ओर हम हावर्ड को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर इंसान और वॉलरस एंडेमी के बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स लगे थे, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक इंसान को वॉलरस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसी रूम में बेन सर्जिकल टेबल पर बेहोश पड़ा था जिस पर हावर्ड सर्जरी कर रहा था। उसने बेन के दूसरे पैर को भी काट डाला था और उसके दोनों हाथों को उसी के चेस्ट स्किन के साथ जोड़ चुका था। एंड इसके आगे की बात ना ही करे तो अच्छा है, बस इतना जान ले कि इसके बाद वॉलेस इंसान कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। दूसरी ओर डिटेक्टिव के साथ मिलकर लियोन और टेडी पूरी जी जान लगाकर बेन को ढूंढने में लगे पड़े हैं। अब हम एक बंद कमरे में बेन को देखते हैं जो चेन से बंधा हुआ था, जिसे मिस्टर हावर्ड ने फाइनली मिस्टर टस बना दिया था। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस सीन इज टेरिफाइंग। बेन दर्द और शौक से हेल्प मांगने के लिए आवाज़ तो लगाता है, मगर उसके मुंह से आवाज़ के बदले स्ट्रेंज नॉइजेस आ रही थी, बिल्कुल एक वॉलरस की तरह। हावर्ड वॉलेस को अब ट्रेन करने लगता है ताकि वो बस ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से भी एक वॉलरस बन जाए। हावर्ड खुद भी एक वॉलरस सूट पहनकर मिस्टर टस्क के पास आकर उससे लड़ने को कहता है, वरना नहीं तो उसे मार डालेगा, जिसमें मिस्टर टस्क हावर्ड को अपने दो बड़े दांतों से एंड में जान से मार डालता है। बेन अब पूरी तरह से मिस्टर टस्क यानी कि एक वॉलरस बन चुका था। डिटेक्टिव भी जीन और टेडी के साथ फाइनली बेन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुँचते हैं। बेन को इस हालत में देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डिटेक्टिव अपनी गन निकालकर मिस्टर टस को गोली मारने वाला था कि जीन उसे रोक लेती है। और अब सीन वक्त में आगे चली जाती है एक साल बाद। जीन और टेडी जू में जाते हैं जहाँ पर जीन एक मछली केज के अंदर फेंकती है। एंड हम देखते हैं मिस्टर टस को जो उस मछली पर टूट पड़ता है। आखिरी सीन में जीन रोते हुए कहती है कि रोना ही एक ऐसी चीज है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है, जिसके बाद हम मिस्टर टस्क के आंखों में आंसू देख पाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मिस्टर टस्क में बेन कहीं तो जिंदा था। एंड मूवी एंड हो जाती है। बट वेट, ये जीन और टेडी ने बेन को जू में क्यों दे दिया? और मछली, सीरियसली? मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज, इफ़ यू लाइक माई मेहनत तो डू सब्सक्राइब यार, क्योंकि स्टिल 96% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। कमन गाइज, जस्ट वन क्लिक एंड यू कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड